हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे होंगे? माता रानी की कृपा से आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी माता रानी की कृपा से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आप सब भी, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो मित्रों, आज संडे है और आज संडे के दिन थोड़े ज़रा लेट ही उठे हम। तो आज हम दोस्तों, अभी तक हमने अपना चाय पानी वगैरह किया, तो अब हम आज संडे के दिन सोचते हैं कि आज छुट्टी है तो आज हम कुछ स्पेशल बनाएंगे। संडे के दिन बनाते हैं हम, ये सच बात है कि संडे के दिन हम ज्यादा एंजॉय से बनाते हैं और खाते हैं, और दिन टाइम ही लगता ना। तो आज हम बना रहे हैं दोस्तों आलू के पराठे। ये देखिए दोस्तों, आलू के पराठे देखिए आप किस तरह से बना रहे हैं हम, बल्कि बन चुके हैं, लगभग कुछ ही रह रखे हैं दोस्तों। ये देखो हमारा डब्बा भर गया है, चाय रखी है गैस में दोस्तों, देखो चाय बन रही है दोस्तों। तो आज हम आलू के पराठे और चाय और थोड़ा सब्जी है, तो उसे खाके एंजॉय करेंगे। मुझे लगता है आप लोगों का नाश्ता भी बन गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखो, अब हम आपको अंदर की व्यवस्था बताते हैं कि हमने भी कितना काम। ये देखिए दोस्तों, अभी तक हमने केवल बिस्तर ही ठीक ठाक किया है, और अभी काफी काम है करने के लिए, सफाई पूरी है करने के लिए। ऐसा नहीं कि कर दिया है, लेकिन कर रही हूँ धीरे धीरे। पहले ऐसा है ना कि थोड़ा कुछ खा लूंगी दोस्तों, तो शायद जल्दी जल्दी काम करूंगी दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चाय पानी पी लेनी चाहिए, फिर फुर्ती से काम करूंगी मैं। फिर भी थोड़ा बहुत मैंने लगभग कर दिया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पोचा वगैरह लगा दिया है अंदर, और अब बाहर लगाऊंगी दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बाहर का मौसम दिखाने का प्रयास करती हूँ कि कैसा है। ये देखिए दोस्तों, ये सुबह का समय है, मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इतने सारे कपड़े धो दिए हैं, बहुत सारे। ये देखिए दोस्तों हमारे बाहर का दृश्य, सुबह उठकर लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं दोस्तों। आज धूप बहुत अच्छी खिली है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर धूप खिली है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आज का मौसम बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको आज का मौसम दिखा रही हूँ दोस्तों। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दृश्य है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लॉट खाली है, यहाँ पे कितनी सुंदर धूप खिली है। ये देखिए, देख रहे हैं दोस्तों आप, बहुत बढ़िया सुबह का समय है, सभी लोग अपने काम पे लगे हुए, जैसे मैं लगी हुई हूँ। और ये सामने प्लॉट है, इसमें बहुत सुंदर धूप खिली हुई है। शाम को यहाँ पर गाय वगैरह आती हैं, और यहीं पे हम उन्हें रोटी दाल चावल देते हैं। ये देखिए, ये पीछे गैलरी है मित्रों। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये सामने पे हमारा तुलसी का पौधा है दोस्तों। यहाँ पर हमारी तुलसी माता है, और हम रोज़ यहाँ पर इसकी पूजा करते हैं, और रोज़ तुलसी माता का ध्यान करते हैं। माता तुलसी की कृपा आप सब पर बनी रहे, और मुझ पर भी बनी रहे। तो दोस्तों आज बहुत ही सुंदर दृश्य है, और अब मैं आपको आगे की सारी दिनचर्या बताऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है? तो मित्रों, मैंने नाश्ता कर लिया है और पराठे भी खा लिए हैं अच्छे से चटनी के साथ, और एक गिलास चाय भी पी ली है दोस्तों। ये देखिए, मेरा पूजा का कार्यक्रम शुरू हो गया है, और मैं इस तरह से पोछा मारना शुरू कर रही हूँ। और क्योंकि पोछा, मुझे लगता है कि जब सारे काम करते हैं तो हमें पोछा भी मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले अपने साथ साथ घर की सफाई भी करनी चाहिए। आइए दोस्तों, मैं आपको गैलरी में ले जाती हूँ, मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ जहाँ से पोछा मारूँगी। आइए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये मेरा पोछा लगना शुरू हो गया है दोस्तों, और मैं रोज इसी तरह से अपना काम शुरू करके निपटाने का प्रयास करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जब तक बाहर सफाई ना करो ना, तब तक कुछ अच्छा नहीं लगता।
तो ये तो हम लोगों के लिए रोज का ही काम है। जैसे तो मित्रों ये पोछा मारना है गैलरी में, यहाँ पे हमारा पानी का ड्रम है, ये देखिए इसमें हम पानी भरते हैं। जब कभी पानी की दिक्कत होती है तो इससे काम मदद ले लेते हैं। ये देखिए इस तरह से घर की सफाई में रोज करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पर हमारा शूज वगैरह रखे हैं बाहर की तरफ गैलरी में। तो इस तरह से हमारा दिन का कार्य होता है। देखिए दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, थक भी लग जाती है, बहुत थक लग रही है दोस्तों मुझे, लेकिन मैं फिर भी कार्य करूँगी जब तक मैं पूरा ना कर पाऊँ, लक्ष्य तक पहुँचना बहुत जरूरी है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बहुत मेहनत लग रही है दोस्तों, बहुत ही मेहनत। इस तरह से मैं अपने काम को पूरा करने का प्रयास कर रही हूँ। तो ये काम जो है करना ही होता है हम लोगों को। तो इस तरह से मैंने अपने ही सोचा कि ये मेरा पोछा करीब करीब लग चुका है, और अब थोड़ा मैं इधर से शुरुआत कर लेती हूँ, ये जो पैर है ना उसको कर लेती हूँ। तो ये मेरा अभी पोछा लास्ट स्टेज पर बन गया है, लगभग लगभग मैंने कर ही दिया है। देखिए और जो खाया है ना उसका सही प्रयोग करना है। जो पराठे खाए हैं ना वो पराठे काम करने चाहिए, है ना दोस्तों? ठीक है रिमूवर दोस्तों। ये देखिए ये हमारे कृषि योगा भी होता है, मुझे लगता है कि हमें पूछा मारे हाथ पैरों की हड्डियाँ मांसपेशियाँ भी मजबूत होती है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने की जितना मेरे से हो रहा है। आप बस अपनी दिनचर्या अपनी बातें शेयर करो अब दोस्तों। ये माँ तुलसी के आगे पीछे भी सफाई हो गई है, हमारी माता तुलसी सदैव हमारी रक्षा करती है, और माता तुलसी हमेशा हरी भरी ऐसी रहती है, हमारी मित्रों ऐसी खिलखिलाती रहती है हमारा तुलसी का पेड़। ये देखिए तो दोस्तों मेरा ये नाश्ते से लेकर सफाई का काम पूरा हो गया है। तो मैं अब आपसे मिलूंगी सीधा शाम टाइम पर, और आपको अपने ब्लॉग को मैं यहीं पर पूरा कर रही हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों शाम को। जय माता दी।